ಬಿಹಾರ ಜಲಜ ಭುವನ ತಿಥಿ ನಂದ ಸುಕುಮಾರ Hey guys, what's up? Roy this side. Hope you all are doing great. So, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं राधा देश कृष्ण मंदिर इस्कॉन टेम्पल या कैसल जो कि डर्बी में स्थित है. डर्बी को यह भी माना जाता है कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाउन. सो गाइस, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे फेवरेट भगवान, मेरे आइडल, जिनके टीचिंग्स को मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, भगवद्गीता. भगवद्गीता को ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका उसमें भगवद्गीता में जवाब ना हो. किशन कन्हैया, आज उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हम यहाँ पे करने आए हैं, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी. तो फिर आइए दोस्तों, हम इस पवित्र जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं. लेट्स गो. तो ये है मेन एंट्रेंस मंदिर का. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर और बड़ा कैसल है, जहाँ की अपने कृष्ण कन्हैया लाल विराजमान हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज काफ़ी रश है यहाँ पे, स्पेशली जन्माष्टमी के लिए. और काफ़ी लाइन भी है यहाँ पे कृष्ण भगवान के दर्शन पाने के लिए. और यहाँ पे बुक स्टॉल भी है, अगर आपको भगवद्गीता लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी मौजूद है. फाइनली कुछ समय बाद हमको कृष्ण भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स और पेंटिंग्स। Thank you.
चलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड,
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।